महेंद्र सिंह धोनी के जगह ऋतुराज गायकवाड़ कैसे बने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, इसके बारे में चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी ने खोला है राज। क्या है पूरा मामला दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी और अपडेट मिलती रहती है। माइकल हसी ने कहा कि जब ऋतुराज अखबार को कप्तानी सौंपी गए तो वह खुद भी इस फैसले से दंग रह गए थे। हालांकि यह ट्रांजिशन काफी स्मूथ रहा, इसके लिए ऋतुराज गायकवाड़ को तैयार किया गया और महेंद्र सिंह धोनी ने भी इनकी मदद की। माइकल हसी ने क्रिक इन्फो के एक शो में यह बात कही थी। माइकल हसी ने कहा कि धोनी ने ही ऐलान किया था कि वो प्री टूर्नामेंट कप्तानों की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, यह सुनकर वह हैरान रह गए थे। माइकल हसी ने इस शो में कहा कि धोनी ने ही कहा था कि अब यहां से टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे। शुरुआत में सबको झटका लगा, लेकिन फिर बाद में सब अच्छे से मैनेज हो गया। माइकल हसी ने कहा कि गायकवाड़ की धोनी ने बतौर मेंटर मैदान पर काफ़ी मदद की है, वही हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी काफ़ी करीब होकर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस आईपीएल सीजन की शुरुआती में ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम इस सीजन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 मैचों में से 7 मैच जीते हैं और बता दें कि इस समय आईपीएल में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आपको ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी कैसी लगती है?